साथियों नमस्कार। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है स्टार एजुकेशनल की यूट्यूब चैनल में। आज हम रीजनिंग के ऐसे प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं जो राजस्थान पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब आपको समझ आएगा दोस्तों, वरना समझ में नहीं आएगा। और घर बैठे फ्री ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और साथ में वीडियो को लाइक करें और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज जरूर करें। और नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आप ऐड जरूर हो जाइए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, ये प्रश्न रहा है, इस प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर आपको देना है जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इंग्लिश को लिख रहा है 2/5 और साइंस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए प्रश्न बहुत सरल है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि आया कैसे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं, इसमें ऐसे प्रश्न आए तो आपको स्वर और व्यंजन, दोस्तों आपको सबसे पहले स्वर और व्यंजन के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि स्वर की संख्या क्या है। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अंदर स्वर है कितने हैं, तो इंग्लिश के अंदर दोस्तों स्वरों की संख्या में बात करूं तो आपको सबसे पहले ई और आई, कितने स्वर है, दो। तो दोस्तों यहाँ पर 2 स्वर है और बट्टे में 1, 2, 3, 4, 5, तो बट्टा 5 है। तो इसी प्रकार से साइंस के अंदर स्वरों की संख्या 1 है, 2 है, 3, स्वर कितने हैं दोस्तों। अब देखिए स्वरों की संख्या बात करें, स्वर कितने हैं, स्वर 3 है। अब दोस्तों 3 कौन कौन से स्वर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वर्ण संख्या कितनी, 7, तो 7 है, तो 7 में से स्वर हमारे पास में स्वरों की संख्या कितनी है, 3 है। 3 कौन कौन से है तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कौन कौन से है, पहला आपका आई, फिर ई, फिर ई, 1, 2 और 3, तो दोस्तों 3 तो आपका स्वर हो गया, तो 3/ व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों की मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, तो 4/, तो स्वर 4/व्यंजन, तो यहाँ पर आपका स्वर और यहाँ पर व्यंजन, तो उत्तर नंबर क्या हो गया, 2 आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न, चलिए बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, न्यायालय में न्याय होता है। दोस्तों जब न्यायालय, जैसे राजस्थान का उच्च न्यायालय, राजस्थान का उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर है, कहा है जोधपुर के अंदर है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्या है, तो अब दोस्तों जेली कैदी सांकेतिक यातायात, लेकिन दोस्तों अस्पताल में क्या होता है, उपचार होता है, क्या होता है, अस्पताल में क्या होता है, उपचार होता है। तो न्यायालय में मिलता है न्याय और वहीं अस्पताल में मिलता है उपचार, तो प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है और प्रश्न को देखिए आपको उत्तर करना है। अब प्रश्न दोस्तों परीक्षा के अंदर सरल नहीं आएंगे, कठिन आएंगे, जितने आप कठिन कठिन प्रश्न करेंगे ना वैसे वैसे आप प्रश्नों को उत्तर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देखिए पी क्यू आर एस टी, तो देखिए पी क्यू आर एस टी कुल कितने हैं, 5 सदस्य बैठे, कितने बैठे हैं, 5 सदस्य, मुंह की ओर केंद्र, केंद्र की ओर मुंह करके खड़े। देखिए आर है पी और टी के बीच बैठा है, यानी आपका दोस्तों जो है आर है वो पी और टी के मध्य बैठा है। अब ये इधर बैठा हो, ये इधर, कोई फिक्स नहीं है। अब देखिए पी के ठीक दाएं, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं पी को यहां बैठाता हूं, पी का ठीक दाएं यहां पर क्या बैठेगा, क्यू बैठेगा, क्या बैठेगा, क्यू बैठेगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, अब देखिए, अब सवाल वापिस देखिए, P और T के मध्य कौन बैठा है, R बैठा है, और ये प्रश्न कह रहा है P और T के मध्य कौन बैठा है, R, ये लाइन होगी क्लियर। पीछे कौन बचा, तो
तो दोस्तों हमारे पास में कौन बन, एस एस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस। ये आपकी श्रृंखला बन गई, क्या बन गई, श्रृंखला। अब प्रश्न पूछा है क्यू, ये क्यू, क्यू के दाएं और कौन है, एस, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, एस आपका करेक्ट आंसर है, क्या है, एस आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज दोस्तों, आपका कोई चार्ज नहीं है। और हमें हम आपको मॉडल पेपर सेट भी देने वाले हैं, वो मॉडल पेपर सेट भी आप कर सकते हैं, तो अच्छे से आप पढ़ेंगे तब मैं आपको मॉडल फ्री वाले मॉडल पेपर सेट दूंगा और सिलेक्टेड प्रश्न दूंगा, बहुत अच्छे होंगे। देखिए सवाल क्या क्या है, जतिन पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बांध लेता हूँ, ये जतिन है और जतिन पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये आपका जतिन पश्चिम 10 मीटर चलता है, कितना चलता है, 10 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर मुंह कर देता है, क्या कर लेता है, ये इसका उत्तर की ओर मुंह, तो चलिए उत्तर की ओर मुंह चलता है, 20 मीटर चलता है, कितना चलता है दोस्तों, 20 मीटर चलता है। उसके बाद पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर, तो दोस्तों उसके बाद में 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ये भी 10, ये भी 10, तो दोस्तों ये दोनों हो गई कॉमन रेखा है। अब पूछा गया वो प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पे है, तो भैया प्रश्न का उत्तर है, ये तो आपकी हो गई दूरी कितनी हो गई, 20 आपकी दूरी हो गई, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब है का, ये यहाँ से किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, तो ये भी कट गया, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया, नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए दोस्तों, मैं एक एक चीज आपको समझने वाला हूँ। चलिए दोस्तों ये तो आसान प्रश्न है, आसान से आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जन्मेंगे या मरेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम जन्म लेंगे, क्या लेंगे, सबसे पहले जन्म लेंगे, तो दोस्तों जन्म, जन्म ले लिया सबसे पहले, तो ये हो गया आपका जन्म। जन्म के बाद हमारी क्या होगी, जन्म के बाद हमारा क्या होगा, हम पढ़ाई करेंगे, शिक्षा की ओर जाएंगे, तो शिक्षा, शिक्षा हमारी हो गई, अब शिक्षा के बाद घर वाले क्या करेंगे, विवाह करेंगे, तो विवाह होगा, विवाह के बाद में क्या होगा दोस्तों, मृत्यु होगी, क्या होगी, और मृत्यु के बाद में पीछे क्या बचता है, चिंता मुक्त, चिंता रेत बचती है, तो देखिए सीधा आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, सबसे पहले जन्म, जन्म के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद में विवाह, विवाह के बाद में मृत्यु, मृत्यु के बाद में चिंता, चिताधारी, क्या ना, हवा का झोंका या चिता लेके उड़ गया, ये हो गया प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को समझना है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाए, कम से कम 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। घन के फलक में 6 के विपरीत क्या, 6 क्या पूछा है, 6 के विपरीत क्या है, तो जल्दी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए कैसे, 6 के पास में कौन कौन है, 6 के पास में 2 और 3, 6 के पास में 5 और 4। अब दोस्तों देखिए 6 के पास में 2 3 5 4, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो पीछे कौन सा बचा, 1, तो सीधे प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों 6 का 1, क्योंकि सीधा प्रश्न का उत्तर, जो पास होगा वो कभी विपरीत नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा, तो देखिए 6 के पास में 1 और 3 है, कभी विपरीत नहीं होगा, 6 के पास में 5 और 4 नहीं है, तो पीछे कौन बचा, 1, 6 के विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया, तो प्रश्न का राइट आंसर हो गया। सीधा आपको सॉल्यूशन ध्यान रखना है, प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ लेना है और प्रश्न का उत्तर आपको निकाल लेंगे। यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार पड़ता है, क्या है, 2 तारीख को सोमवार पड़ता है, और महीने की तारीख कितनी है, 31, क्या है, महीने की तारीख 31 को कौन सा वार पड़ेगा, तो दोस्तों प्रश्न का सीधा उत्तर है,
31 है, 31 में से हम दो लेस करेंगे, पीछे कितने बचे, 29, और 29 में मैं 7 का भाग दे दूंगा, पीछे मेरा कितना बचा, एक बचा, पीछे कितना बचा है, तो मेरे पास में सोमवार तो मेरे पास ही है, सोमवार तो है ही है, तो नेक्स्ट वार कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि एक मुझे ऐड करना है, तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, मंगलवार हो गया। तो देखिए प्रश्न को समझ के उत्तर देंगे तब आपको सीधा आंसर आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए एक और प्रश्न देख लीजिए अच्छे से। देखिए एक घड़ी में 6:25 हुए, तो शीशे में उस घड़ी में कितने बजे हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न आया ना 11:60 में से लेस कर लेना है, 6 में से मैं 25 लेस करूंगा, तो दोस्तों 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 35 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 5:35 हो गए, कितने, 5:35। प्रश्न का राइट आंसर है 5:35। अब बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं चला, तो भैया अगर आपको 6:01 से लेकर 11 बजे तक दे रखा है तो 11:60 में से आपको लेस कर लेना है, क्या कर लेना है, 11:60 में से लेस कर लेना है। और अगर आपको यहाँ अगर मैं कर लेता हूँ 16:25, तो दोस्तों 23:60 में से 16:25 हम क्या कर लेंगे लेस, और इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर इतने बजेंगे, यहाँ पर कितने बजेंगे, या तो आपका 35 हो गया, अब यहाँ पर कितना आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यस इसका 5:35 आपका करेक्ट आंसर है, ये तो आपका हो गया, समझ में आ गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए बताइए अच्छा प्रश्न, 35 बच्चों की एक कक्षा है, कितने बच्चों की, 35, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे की गिफ्ट देता है, कुल कितने गिफ्ट, दोस्तों n(n-1) ये इसका फॉर्मूला है, क्या है ये इनका फॉर्मूला है। तो चलिए n का मतलब 35 × 35 - 1 हो गया, तो दोस्तों 35 × 34 प्रश्न का उत्तर आपके पास हो गया। अब आपको 35 का मल्टीप्लाई नहीं आता है तो करना क्या, कुछ नहीं कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको तो कर लेंगे डबल, कितने होंगे 70, और इसको कर लेंगे आधा, तो दोस्तों 7 × 70 आप कर सकते हैं। तो चलिए 7 × 7 = 50, ये पीछे 0 असल की 4 और 7 × 4 = 11 कितने हो गए 1190, क्या हो गए 1190, प्रश्न का राइट आंसर 1190 आपका करेक्ट आंसर। और दोस्तों घर बैठे मॉडल पेपर करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, घर बैठे आप पेपर दे सकते हैं। तो देखिए प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा प्रश्न, समझिए बड़ी बड़ी प्रश्न आपको करना है, समझना है। चलिए देखिए, देखिए 5 मित्र आगे की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए डी के आगे कौन बैठा है, दोस्तों डी और डी के आगे कौन बैठा है, सी बैठा है, डी के आगे कौन बैठा है, सी बैठा है, परंतु डी और ई के साथ नहीं, यस, तो दोस्तों यहां पर आपका ई नहीं आएगा, यस, ई बाएं छोर का अंतिम है, तो यहां अगर पंक्ति का बाया छोर है तो यहां पर आपका ई आ जाएगा, पर एवं सी के दूसरा स्थान कौन, ई, तो दोस्तों सी और डी पहला, और ये देखिए दो स्थान छोड़कर ये आ गया, बी के दाएं, दोस्तों बी है, बी के दाएं ए बैठा है, तथा ए एवं सी साथ है, ए और सी दोनों साथ हैं, बताइए ई किन किन के बीच बैठा है, तो भैया ई पूछा है तो ई आपका ये बैठे, ए
और सी, ए और डी के मध्य कौन बैठा है? सी बैठा है। ए और डी आपका प्रश्न का करेक्ट आंसर, ए और डी। ये था क्वेश्चन, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। और दोस्तों आप घर बैठे मॉडल पेपर सेट कंप्यूटर का देना चाहते तो कंप्यूटर है। रीजनिंग के हमने क्वेश्चन ऐड नहीं किया, अभी रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड करेंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, महिला बाल अपराध के 300 प्रश्न, राजस्थान जीके के। नीचे हमारा एप्लीकेशन दे रखा है स्टार एजुकेशन के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पेपर दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।